HMD ग्लोबल ने नोकिया ब्रांड के स्मार्टफोन बनाने की जिम्मेदारी ली और नोकिया 6 के जरिए इस ब्रांड की मार्केट में वापसी हुई। करीब 6 महीने की देरी के बाद नोकिया 6 आखिरकार भारतीय मार्केट में आ गया है। जाने पहचाने डिजाइन वाले नोकिया 6 को एंड्रॉइड ओरियो अपडेट भी मिलेगा। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर फोन को अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी होगी। भारत में उपलब्ध नोकिया ब्रांड के सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में से नोकिया 6 सबसे बेहतर स्पेसिफिकेशन वाला फोन है। क्या इसे खरीदना फायदे का सौदा है? आइए जानते हैं। हाथों में पकड़ते ही फोन मजबूत होने का एहसास देता है। बताया गया है कि इसे एल्यूमिनियम के एक पीस से ही काट कर बनाया गया है। 6000 सीरीज एल्यूमिनियम के कारण फोन को मजबूती मिलती है। 7.85 मिलीमीटर मोटाई वाला यह फोन सबसे पतला नहीं है, लेकिन इसकी ग्रिप अच्छी है। एक हाथ से इस्तेमाल की बात करें तो नोकिया 6 सबसे बेहतरीन डिवाइस नहीं है। यह थोड़ा चौड़ा है और बॉडी सॉलिड है, लेकिन किनारे पूरी तरह से घुमावदार नहीं होने के कारण यह हाथों में थोड़े समय के बाद चुभने लगता है। कंपनी ने नोकिया 6 के डुअल स्पीकर की भी तारीफ की है। ये डॉल्बी एटमॉस पावर्ड है। फ्रंट पैनल पर मौजूद फिंगरप्रिंट सेंसर टच सेंसिटिव है। आपको इसे दबाने की जरूरत नहीं है। यह होम बटन का भी काम करता है। इस कीमत के दूसरे फोन की तुलना में नोकिया 6 का फिंगरप्रिंट सेंसर उतना तेज नहीं है। पिछले हिस्से पर मौजूद कैमरा आपको नोकिया 6 के कार्ल जाइस की साझेदारी वाले दिनों की याद दिलाएगा। कैमरा उभार वाला है, यानी आपको बैक कवर इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए। इसमें 5.5 इंच का फुल HD 2.5D IPS LCD डिस्प्ले है, जिसपे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मौजूद है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस लेवल ठीक ठाक है, कलर्स क्रिस्प भी हैं। हमें व्यूइंग एंगल से भी कोई शिकायत नहीं है और सूरज की रोशनी में डिस्प्ले पे पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होती। डिजाइन के लिहाज से नोकिया 6 निराश नहीं करता। अच्छी बिल्ड क्वालिटी हर दिन इस्तेमाल में भरोसा पैदा करती है और यह मार्केट में मौजूद सभी हैंडसेट से थोड़ा अलग नजर आता है, जो इस फोन को खरीदने की एक अहम वजह हो सकती है। नोकिया 6 की एक और अहम खासियत एंड्रॉइड 7.1.1 नूगा है और इसे भविष्य में एंड्रॉइड ओरियो अपडेट मिलना भी तय है। नोकिया 6 में हमारा एक पसंदीदा फीचर ऐप शॉर्टकट था। आप किसी भी ऐप आइकन को लंबे वक्त तक दबाकर उस ऐप से संबंधित अलग अलग शॉर्टकट को एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा फोन में कोई अनचाहा ऐप भी नहीं है। आपको कई गूगल ऐप मिलेंगे, जैसे फोटोज ऐप ही फोन का डिफॉल्ट गैलरी ऐप है। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर तेजी से फोकस लॉक करता है और ये डिटेल के साथ तस्वीरें कैप्चर करने में सक्षम है। हालांकि यह रोशनी की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर भी बेहतरीन काम करता है। हालांकि हमें लगा कि यह नेचुरल कलर्स को थोड़ा म्यूट कर देता है, जो कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। रात के वक्त कैमरे ने अच्छी तस्वीरें ली, लेकिन इसके लिए आसपास रोशनी का स्रोत होना जरूरी था। प्राइमरी कैमरे ने हमें प्रभावित किया, खासकर अलग अलग परिस्थितियों में आसानी से खुद को ढालने की क्षमता ने। हालांकि मैक्रोज और क्लोजअप शॉट में किनारे पे डिस्टॉर्शन साफ नजर आते हैं। कम रोशनी में ऑटो फोकस काम नहीं करता है। इसका मतलब है कि आपको यह मैनुअली करना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए आपको कम से कम एक से ज्यादा बार कोशिश तो करनी ही होगी। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फी के साथ पूरा न्याय करता है, लेकिन रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए। रात के वक्त पे फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस निराश करने वाली थी। हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। यह चिपसेट हाल के दिनों में कई बजट स्मार्टफोन का हिस्सा रहा है। हम नोकिया 6 की ऐप परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। 3GB रैम ज्यादातर काम के लिए पर्याप्त है, लेकिन गेमिंग के दौरान और रैम की जरूरत महसूस हुई। फोन का गर्म हो जाना यूजर एक्सपीरियंस पर कुछ हद तक बट्टा लगाने का काम करता है। बता दें कि लंबे वक्त तक गेमिंग, कैमरा और GPS नेविगेशन के दौरान फोन गर्म हो जाता है। अच्छी बात यह है कि ऐप बंद करते ही यह तेजी से ठंडा भी हो जाएगा। नोकिया 6 के साथ डुअल स्पीकर देने के लिए नोकिया की तारीफ होनी चाहिए। आप तेज और स्पष्ट आवाज के लिए आश्वस्त रहिए। स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के हैं और डुअल स्पीकर इस्तेमाल करते ही आपको इसका एहसास हो जाएगा। अफसोस कि हैंडसेट के साथ दिए गए ईयरफोन औसत क्वालिटी के थे। हैंडसेट की कॉल क्वालिटी अच्छी है। फोन में 3000 mAh की बैटरी है, जो जमकर इस्तेमाल करने पर करीब 15 से 16 घंटे तक चली। अफसोस कि कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। इसका मतलब है कि फोन की बैटरी को 100% चार्ज होने में लंबा वक्त लगेगा। हमने पाया कि फोन को पूरी तरह से चार्ज होने में 2 घंटे से ऊपर का वक्त